अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म बच्चन पांडे होली के साथ सिनेमा घरों में तो आ चुकी है, पर ये क्या फिल्म के साथ अब एक कंट्रोवर्सी दिखती नजर आ रही है। सोशल मीडिया साइट्स पर अब फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। ऐसा क्यों, अब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मैं उरिया गुप्ता, आप देख रहे हैं इन खबर। अक्षय कुमार और कृति सेनन की फिल्म बच्चन पांडे का सभी को बेसब्री से इंतजार था, पर ऐसा लग रहा है फिल्म आने के बाद दर्शक इससे कुछ संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। आपको बता दें ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्षय कुमार का अभिनय, जिसका सरनेम पांडे है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। सरनेम पांडे होने के कारण इसे हिंदू और ब्राह्मण वर्ग से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां लोगों की राय है कि फिल्म में हिंदू और ब्राह्मण वर्ग को बहुत नेगेटिव रूप से दर्शाया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार का कैरेक्टर काफी नेगेटिव है, वह बात बात पर मर्डर करता है और लोगों से लड़ता है। आपको बता दें फिल्म में उनका लुक भी बहुत खतरनाक था, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर तहलका सा मच गया था। पर एक और मार अब इस फिल्म को झेलनी पड़ रही है। जाए दो तरफा मार में दूसरी मार विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल से है। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को दिखाया गया है। लोग अब इस फिल्म की तुलना विवेक अग्निहोत्री की फिल्म से कर रहे हैं, जहां पर लोगों का मानना है कि हिंदू नेतृत्व की बात करें तो बच्चन पांडे उतनी खरी नहीं उतरती जितना द कश्मीर फाइल्स दर्शकों के लिए है। इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म का रिव्यू भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। नाराज दर्शक लगातार IMDb पर फिल्म को नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। अभी की बात करें तो फिल्म को 10 में से केवल 6.5 का रिव्यू ही मिल सका है। अब देखना यह है कि अक्षय कुमार जिनकी फिल्में लगातार नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार होती रही है, या फिर यूं कहें कि इन फिल्मों का बॉयकॉट होता रहा है। पिछली फिल्म उनकी लक्ष्मी थी, जिसका जमकर विरोध किया गया था। अब ये फिल्म कहां तक जा पाती है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कितनी खरी उतरती है, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अब तक इन खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।